हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज के इस लेक्चर में दैट इज बेस्ड ऑन थंडरबोल्ट। तो आज हम करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली बेस्ड है कि हम कैसे डेटा को ट्रांसफर करेंगे एक्सटर्नली। अभी तक जो हमने टॉपिक्स क्लियर किए थे वो ये था कि हम इंटरनली डेटा कैसे ट्रांसफर होता है बिटवीन पेरिफेरल्स एंड कंप्यूटर, और आज का हमारा लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है कि हम डेटा ट्रांसफर कैसे करेंगे एक्सटर्नली। तो इसके लिए जो फर्स्ट डिवाइस है वो है थंडरबोल्ट। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय थंडरबोल्ट? देखिए, थंडरबोल्ट को हम बेसिकली जैसे कि यूएसबी केबल है, यूएसबी केबल के सिमिलर है थंडरबोल्ट, बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि थंडरबोल्ट है वो बहुत ही हाई डेटा ट्रांसफर, हाई रेट में डेटा को ट्रांसफर करेगा इन कंपेरिजन टू यूएसबी। ठीक है, तो थंडरबोल्ट एक बेसिकली एक हार्डवेयर इंटरफेस है जो कनेक्ट करता है एक्सटर्नली पेरिफेरल्स को टू द कंप्यूटर। ठीक है, थंडरबोल्ट बेसिकली क्या है? एक हार्डवेयर इंटरफेस है दैट कनेक्ट एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। ये एक हाई स्पीड इनपुट आउटपुट इंटरफेस है। अगर हमें हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करना है तो हम क्या यूज करेंगे? थंडरबोल्ट। ठीक है, थंडरबोल्ट एक एक्सटर्नल डिवाइस है या एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिससे हम हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करेंगे बिटवीन पेरिफेरल्स एंड कंप्यूटर सिस्टम। सो इट वाज डेवलप्ड बाय इंटेल एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एप्पल इन 2001। थंडरबोल्ट इट इज यूज्ड टू कनेक्ट हाई परफॉर्मेंस पेरिफेरल्स। ठीक है, जहाँ पे हमें जो डेटा ट्रांसफर है बहुत हाई स्पीड में करना है, जैसे कि हमें HD डिस्प्लेस चाहिए, तो हम वहाँ ये कनेक्टर यूज करेंगे। सो इट इज यूज टू कनेक्ट हाई परफॉर्मेंस पेरिफेरल्स एंड HD वीडियो डिस्प्लेस। ठीक है, थंडरबोल्ट कहाँ यूज करेंगे? जहाँ हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए प्लस जहाँ हमें HD वीडियोस को डिस्प्ले करना है। तो इन सब कंडीशंस में हम यूएसबी केबल यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे थंडरबोल्ट। तो थंडरबोल्ट जो हमारा मेथड है वो बेसिकली दो दो कम्युनिकेशन मेथड यूज करेगा। द फर्स्ट वन इज PCI एक्सप्रेस एंड द सेकेंड वन इज डिस्प्ले पोर्ट। ठीक है, देखिए थंडरबोल्ट बेसिकली ट्रांसमिट करता है HD वीडियोज को। ठीक है, जो हाई डेफिनेशन वीडियोज हैं उन्हें ट्रांसमिट करेगा यूजिंग डिस्प्ले पोर्ट। मीन्स ये डिस्प्ले पोर्ट बेसिकली एक कनेक्टर है जहां हम हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू डिस्प्ले HD वीडियोस। और PCI एक्सप्रेस हम इसे बस की तरह कंसिडर कर सकते हैं जो हमारे डेटा को ट्रांसफर करेगा एट हायर स्पीड। सो थंडरबोल्ट बेसिकली इट अलाउज फॉर हाई स्पीड कनेक्शन फॉर पेरिफेरल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें हार्ड ड्राइव्स में हम इसे यूज कर सकते हैं थंडरबोल्ट को, नेटवर्क इंटरफेसेस एंड एक्सेट्रा। So Thunderbolt is basically a hardware component that is used in high-speed I/O interface. Now, first of all, ये basically दो components को use करेगा। The first one is PCI Express. The first one is PCI Express. अब देखिए, अगर हम बात करते हैं PCI Express की, तो ये basically connector है that is used in computer where expansions cards are plugged in. जहाँ पे हम एक्सपेंशन कार्ड्स को यूज करते हैं ये वो कनेक्टर है जिसे हम कहते हैं PCI एक्सप्रेस। सो PCI एक्सप्रेस एक बेसिकली सीरियल कनेक्शंस का नेटवर्क है दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ हब ऑन अ कंप्यूटर मदरबोर्ड। देखिए, अगर हम हमारी चिप में बात करते हैं तो ये है PCI एक्सप्रेस। ठीक है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ सीरियल कनेक्टर्स जहाँ पे हम जो एक्सपेंशन कार्ड्स हम यूज करते हैं हम यहाँ पे प्लग इन करते हैं। ठीक है, तो ये है PCI एक्सप्रेस। सो नेटवर्क ऑफ सीरियल कनेक्शंस दैट आर अलाउड बाय अ हब ऑन अ कंप्यूटर मदरबोर्ड। PCI एक्सप्रेस कहाँ यूज करेंगे? चिप पर। नाउ PCI एक्सप्रेस कनेक्शंस सपोर्ट फास्ट डेटा ट्रांसफर रेट्स। हमने जो थंडरबोल्ट यूज किए थे उसके कुछ एडवांटेजेस हैं जिस वजह से हमने उसे यूज किया है। तो इसका फर्स्ट जो इसका फीचर है वो यही है कि ये क्या सपोर्ट करता है, फास्ट डेटा ट्रांसफर रेट दैट इज अप टू 10 Gbps। ठीक है, 10 Gbps दैट इज 20 टाइम्स फास्टर देन यूएसबी केबल।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डेटा को ट्रांसफर करना है फ्रॉम हार्ड डिस्क टू पीसी, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूएसबी केबल यूज ना करके अगर हम यूज करते हैं थंडरबोल्ट, तो इसकी जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो बहुत फास्ट होगी इन कंपैरिजन टू यूएसबी केबल, राइट? नाउ इट इज यूज टू कनेक्ट हाई स्पीड डिवाइसेस. अब हम अगर हमें जैसे कि ईथरनेट कार्ड्स है, अगर हमें वहां कोई डिवाइस यूज करना है टू ट्रांसफर डेटा, तो हम वहां पे थंडरबोल्ट का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन हाई एंड वीडियो कार्ड्स, जैसे कि वीडियो कार्ड्स है, ईथरनेट कार्ड्स है, तो इन सब में जो डिवाइस यूज होता है एक्सटर्नली, उसे हम क्या कहेंगे? थंडरबोल्ट. थंडरबोल्ट डिवाइसेस कैन बी डेजी चेन्ड. अब देखिए, अगर हम बात करते हैं डेजी चेनिंग की, तो डेजी चेनिंग में क्या होगा, हम एक डिवाइस को मल्टीपल एंड डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं वन आफ्टर अनादर, ठीक है? सिक्स डिवाइसेस को हम पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं एक डिवाइस से, सो विदाउट द नीड ऑफ फॉर अ हब. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स 10 वॉट्स ऑफ पावर टू पेरिफेरल्स. इट ऑल दिस इज द अनादर फीचर ऑफ थंडरबोल्ट, दैट इज इट प्रोवाइड 10 वॉट्स ऑफ पावर टू पेरिफेरल्स. सो पीसीए एक्सप्रेस जो हमने देखा था, ये बेसिकली कनेक्शन है, कनेक्शन ऑफ वेरियस कनेक्टर्स जहाँ पे हम एक्सपेंशन कार्ड्स को यूज करेंगे. उस देन सेकेंडली, इट हैज अ फास्ट डेटा ट्रांसफर रेट, दैट इज अप टू 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड. इट इज फास्टर देन यूएसबी. इट इज यूज टू कनेक्ट हाई स्पीड डिवाइसेस, दैट इज ईथरनेट कार्ड्स एंड वीडियो कार्ड्स. एंड फाइनली इट सपोर्ट्स डेजी चेनिंग. डेजी चेनिंग मीन्स जहाँ पे हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑन अ पार्ट ऑफ अ चिप ऑन अ कंप्यूटर. नाउ नेक्स्ट, दिस इज द डायग्राम ऑफ पीसीआई स्लॉट्स, दैट इज पीसीआई एक्सप्रेस. नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले पोर्ट. अब देखिए, अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले पोर्ट की, तो इट सपोर्ट बोथ डेटा डिवाइसेस एंड डिस्प्लेस, ठीक है? डिस्प्ले पोर्ट डेटा डिवाइसेस को भी सपोर्ट करेगा प्लस डिस्प्लेस को भी सपोर्ट करेगा. डिस्प्ले पोर्ट की जैसे कि इसका डायग्राम शोन है डिस्प्ले पोर्ट का, तो डिस्प्ले पोर्ट बेसिकली एक डिस्प्ले इंटरफेस हम कह सकते हैं. ये एक डिस्प्ले इंटरफेस है दैट इज यूज टू कनेक्ट वीडियो सोर्स टू डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है? ये एक डिस्प्ले इंटरफेस है. डिस्प्ले पोर्ट मीन्स एक पोर्ट है जहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे टू जहाँ पे हमें कुछ डिस्प्ले करने के लिए हम जो पोर्ट यूज करेंगे, दैट इज नोन एज डिस्प्ले पोर्ट. चाहे हमें ऑडियो डिस्प्ले करना है या फिर वीडियो डिस्प्ले करना है, सो ऑडियो या फिर वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए हमें एक पोर्ट की नीड है, हमें एक इंटरफेस की नीड है, जिसे हम कहेंगे डिस्प्ले पोर्ट. दैट इज यूज टू कनेक्ट अ वीडियो सोर्स टू अ डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है? डिस्प्ले डिवाइस इट मे बी अ मॉनिटर. सो जब हमने बात की थी थंडरबोल्ट की, थंडरबोल्ट बेसिकली दो कंपोनेंट को यूज करेगा. द फर्स्ट वन इज पीसीआई एक्सप्रेस एंड द सेकेंड वन इज डिस्प्ले पोर्ट. पीसीआई एक्सप्रेस फॉर डेटा ट्रांसफर एंड डिस्प्ले पोर्ट फॉर डिस्प्ले. सो नाउ पीसीआई एक्सप्रेस डिस्प्ले पोर्ट, ये देखिए इसका एग्जाम्पल. थंडरबोल्ट की जो केबल है, हम इसे देख सकते हैं. ये एक थंडरबोल्ट की केबल है जिसके कुछ फीचर्स हैं, राइट? सो इट स्पीड है इसकी बहुत फास्ट है, डेटा ट्रांसफर स्पीड इसकी बहुत फास्ट है. देन सेकेंडली, इसका जो रेजोल्यूशन है या फिर इसे हम यूज करते हैं टू डिस्प्ले एचडी वीडियोस, मोर पावर इट प्रोवाइड्स पावर. देन सेकेंडली, मोर प्रोटोकॉल्स, मतलब इसका खुद का एक प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर है जिसे हम स्टडी करेंगे फर्दर. और ये बेसिकली दो कम्युनिकेशन से दो पार्ट्स को यूज करता है इन ऑर्डर टू ट्रांसफर डेटा. दैट इज द फर्स्ट वन इज डिस्प्ले पोर्ट एंड द सेकेंड वन इज पीसीआई एक्सप्रेस. क्लियर? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस. अब जब हम बात करते हैं, हम इंटरफेसेस की बात करते हैं, एक होता है पैरेलल इंटरफेस और सेकेंड है सीरियल इंटरफेस, ठीक है? पैरेलल इंटरफेस एंड सीरियल इंटरफेस. जो पैरेलल इंटरफेस है, अगर हम इससे बात करें, तो इसमें मल्टीपल डेटा लाइंस हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू ट्रांसफर एंड इन ऑर्डर टू रिसीव द डेटा, राइट? सो मल्टीपल लाइंस कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड पेरिफेरल्स. मल्टीपल लाइंस कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एज वेल एज पेरिफेरल्स. मल्टीपल बिट्स आर ट्रांसफर साइमल्टेनियसली. हर एक जो लाइन है, डेटा लाइन है, वो सिंगल बिट कैरी करेगी. सो अगर मल्टीपल लाइन्स है, तो वो मल्टीपल बिट्स को कैरी करेगी. सो मल्टीपल बिट्स आर ट्रांसफर साइमल्टेनियसली, क्योंकि यहाँ हम मल्टीपल डेटा लाइन्स यूज कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल डेटा बिट्स को
ट्रांसफर करेगा साइमल्टेनियसली। इट इज यूज फॉर हायर स्पीड पेरिफेरल्स सच एज टेप एंड डिस्क। ठीक है, जहां जिन जिन पेरिफेरल्स की स्पीड बहुत फास्ट है हम वहां ये पैरेलल इंटरफेस यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल टेप एंड डिस्क। तो ये है हमारा इसका एग्जाम्पल ब्लॉक डायग्राम। देखिए पैरेलल इनपुट आउटपुट, ये एक आईओ मॉड्यूल है जिसमें बफर स्टोरेज रहेगा। दीज लाइन्स आर कनेक्टेड टू द सिस्टम बस एंड दीज आर कनेक्टेड टू द पेरिफेरल, मीन्स मल्टीपल लाइन्स आर कनेक्टेड टू सिस्टम बस एज वेल एज मल्टीपल लाइन्स आर कनेक्टेड टू द peripherals and each address, each data line carry one bit, so multiple bits are transferred. Now next one is serial interface. So in case of serial interface, only one line is used to transmit data, right? Only one line is used to transmit data. Bit is transferred one at a time, क्योंकि single data line है तो एक time पे सिर्फ और सिर्फ एक ही bit carry होगी. Serial interfaces has used for printers and terminals. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर्स हैं तो हम इनके लिए क्या यूज करेंगे, सीरियल इंटरफेस, प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल डायलॉग फॉर अ राइट रीड ऑपरेशन। अब देखिए ये जो हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है दैट इज आइदर रीड और राइट, तो उसके लिए कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे, हम बात करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई ऑपरेशन ऑपरेट होगा तो सबसे पहले एक सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है, आइदर रीड का और राइट का। सो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल सेंस कंट्रोल सिग्नल, अगर उसे पेरिफेरल डिवाइसेस से रीड करना है तो वो वहां सिग्नल सेंड करेगा, अगर उसे मेमोरी से डेटा को रीड करना है तो वो सिस्टम बस को सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। सो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल सेंस कंट्रोल सिग्नल इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट परमिशन टू सेंड डेटा। ठीक है, नेक्स्ट, पेरिफेरल एक्नोलेजेस द रिक्वेस्ट, पेरिफेरल एक्नोलेजेस द रिक्वेस्ट। जब हमारा जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है उसने जैसे ही सिग्नल जनरेट किया, पेरिफेरल उसे एक्नोलेज करेगा, एक्नोलेजमेंट सेंड करेगा। जब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने एक्नोलेजमेंट एक्सेप्ट किया या रिसीव किया, उसके बाद हमारा डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड फाइनली पेरिफेरल एक्नोलेजेस रिसीव ऑफ द डेटा। जैसे ही जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उन्होंने अपना डेटा रिसीव किया, वो फिर से एक एक्नोलेजमेंट सेंड करेगा टू द आईओ मॉड्यूल दैट डेटा हैज बीन रिसीव्ड। अब हम बात करते हैं आईओ मॉड्यूल की, तो इसमें हमने कॉम्पोनेंट देखा था दैट इज बफर। अगर हम बात करते हैं बफर की, तो बफर बेसिकली यूज होता है टू स्टोर डेटा। जब भी हमारा कोई डेटा पास होता है पेरिफेरल से मेन मेमोरी या फिर सीपीयू में, तो जो स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं टू स्टोर इंटरमीडिएट डेटा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बफर यूज करेंगे। बफर का मेन यूज ये है कि जो हमारी स्पीड है वो पेरिफेरल डिवाइसेस की स्पीड इन कंपैरिजन टू सीपीयू बहुत ज्यादा स्लो है। अगर डेटा जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत स्लो स्पीड में हो रहा है, तो जो सीपीयू है उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, तो इन दोनों की स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम बफर यूज करेंगे। बफर कैसे यूज होगा, जो भी डेटा ट्रांसफर करना है वो सबसे पहले स्टोर होगा बफर में। जब हमारा सारा डेटा आईओ मॉड्यूल ने रिसीव कर लिया है, उसके बाद फाइनली आईओ मॉड्यूल एक साथ डेटा को ट्रांसफर करेगा सीपीयू के लिए। ठीक है, सो ये था हमारा इंटरनल बफर। इट स्टोर्स डेटा बीइंग पास्ड बिटवीन द पेरिफेरल एंड द रेस्ट ऑफ द सिस्टम एंड इट कॉम्पनसेट फॉर द डिफरेंसेस इन स्पीड बिटवीन द सिस्टम बस एंड इट्स एक्सटर्नल लाइन्स। ठीक है, इट सिंक्रोनाइजेस द स्पीड बिटवीन पेरिफेरल्स एंड द सीपीयू। तो ये था हमारा आईओ मॉड्यूल। अब नेक्स्ट हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इंटरफेसेस की जो हम यूज करेंगे थंडरबोल्ट, तो थंडरबोल्ट है इंटरफेसेस हमें किस टाइप के प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला है पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस। पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस एक बेसिकली लिंक प्रोवाइड कराता है बिटवीन आईओ मॉड्यूल एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, इंटरफेस है, इंटरफेस मीन्स हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस को कैसे कनेक्ट करते हैं आईओ मॉड्यूल से। सो आईओ मॉड्यूल और एक्सटर्नल डिवाइस में एक लिंक प्रोवाइड की जाती है दैट इज नोन एज पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉडेम,
ठीक है, माउस एक्सेट्रा। सो इन जब हम कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं टू द आईओ मॉड्यूल, देन इनके एक पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस है, राइट? मींस एक पोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ हम कीबोर्ड ही कनेक्ट कर सकते हैं, इसके एडिशन में हम उस पोर्ट से कोई और डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस। पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस, इट इज अ सिंगल लाइन बिटवीन द आईओ मॉड्यूल एंड द एक्सटर्नल डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, प्रिंटर एंड एक्सटर्नल मॉडेम। नाउ द सेकेंड टाइप इज मल्टी पॉइंट इंटरफेस। अगर हम बात करते हैं मल्टी पॉइंट इंटरफेस की, तो मल्टी पॉइंट इंटरफेस हम कहाँ यूज करेंगे? जहां हमें लार्ज बल्क में डेटा को ट्रांसफर करना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, टेप ड्राइव्स, मल्टीमीडिया, ठीक है? तो जहां हमें बहुत सारा डेटा ट्रांसफर करना है एट हाई स्पीड, तो वहां हम यूज करेंगे मल्टी पॉइंट इंटरफेस। इट एग्जिबिट सेम टाइप ऑफ लॉजिक एज द बसेस, जैसे हम बसेस पे ट्रांसफर करते थे डेटा को, सेम वैसे ही हम थंडरबोल्ट को यूज करके हमारे डेटा को ट्रांसफर करेंगे एक्सटर्नल डिवाइस से आईओ मॉड्यूल में। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है थंडरबोल्ट एंड इनफाइनिबैंड। थंडरबोल्ट हम आज स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इनफाइनिबैंड। तो स्टार्ट करते हैं थंडरबोल्ट, क्योंकि थंडरबोल्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, थंडरबोल्ट इज एन हार्डवेयर इंटरफेस दैट कनेक्ट एक्सटर्नल पेरिफेरल्स टू कंप्यूटर, राइट? थंडरबोल्ट एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो बेसिकली पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से। ये जो डेटा ट्रांसफर है वो एक्सटर्नली हम डेटा को कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए एक हार्डवेयर कॉम्पोनेंट है। इसके कुछ फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक हाई स्पीड हमें प्रोवाइड कराता है इन ऑर्डर टू ट्रांसफर डेटा, दैट इज 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड बाय डिरेक्शनल। मीन्स इसके जो चैनल्स हैं डाउनलोडिंग प्लस अपलोडिंग, इसमें ये जो डेटा ट्रांसफर जो स्पीड है इसकी वो रहेगी 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट, डेटा एंड वीडियो ऑन सिंगल केबल, चाहे हमें डेटा ट्रांसफर करना हो या फिर हमें वीडियो ट्रांसफर करना हो, ठीक है? ये सब सिंगल केबल के थ्रू पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम इसमें डुअल प्रोटोकॉल यूज करेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, पीसीआई एक्सप्रेस एंड डिस्प्ले पोर्ट। पीसीआई एक्सप्रेस इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा, व्हाइल डिस्प्ले पोर्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एचडी वीडियोस और ऑडियोस, ठीक है? तो डेटा एंड वीडियो ऑन अ सिंगल केबल इज पॉसिबल थ्रू थंडरबोल्ट, दैट इज इट इंक्लूड्स डुअल प्रोटोकॉल, दैट इज पीसीआई एक्सप्रेस एंड डिस्प्ले पोर्ट। द नेक्स्ट वन इज डेजी चेन। सो इट कैन कनेक्ट 6 डिवाइसेस। डेजी चेन का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि एक डिवाइस को अगर हम मल्टीपल एंड डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं वन आफ्टर द अनादर, देन इट इज कॉल्ड डेजी चेन एंड इट कैन कनेक्ट 6 डिवाइसेस, ठीक है? इट कैन कनेक्ट मैक्सिमम 6 डिवाइसेस। सो डेजी चेन कनेक्ट डिवाइसेस ऑन अ पार्ट ऑफ अ चिप ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, इट इज कंपैटिबल विद एग्जिस्टिंग डिस्प्ले पोर्ट डिवाइसेस, देन लो लेटेंसी विथ हाईली अक्यूरेट टाइम सिंक्रोनाइजेशन। देखिए, जब हम बात करते हैं लेटेंसी की, तो लेटेंसी में लेटेंसी की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली यही है कि अगर हमें कोई डेटा ट्रांसफर डेटा अगर हमें रिसीव हो रहा है तो उसमें कुछ ज्यादा डीले ना हो, ठीक है? सो प्रोसेसिंग अ वेरी हाई स्पीड ऑफ डेटा मैसेजेस विथ मिनिमल डीले। जब भी हम किसी डेटा को ट्रांसफर करते हैं, तो जब हम डेटा को रिसीव करेंगे तो उन जो पार्ट्स में हमारे पास डेटा रिसीव हो रहा है, तो उसमें जो डीले है वो बहुत ही मिनिमम हो, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। सो इट सपोर्ट्स लो लेटेंसी विथ हाईली अक्यूरेट टाइम सिंक्रोनाइजेशन। इट यूजेस नेटिव पीसीआईएस एंड डिस्प्ले पोर्ट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स, ठीक है? इसके जो मेन कंपोनेंट्स वो यही दो मेन कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हमारा थंडरबोल्ट बेसिकली बेस्ड है। सो अब हम बात करेंगे थंडरबोल्ट कॉन्फ़िगरेशन की। अब थंडरबोल्ट को हम कैसे कॉन्फ़िगर करें सो दैट वी कैन ट्रांसफर डेटा एट अ हायर स्पीड। देखिए, थंडरबोल्ट कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बात करते हैं इसके डायग्राम में, तो हम यूज करेंगे थंडरबोल्ट कंट्रोलर एंड थंडरबोल्ट कनेक्टर, ठीक है? सो दीज आर थंडरबोल्ट कनेक्टर, देन ये है हमारे पीसीआईस, ठीक है? ये सीरियल कनेक्शंस हैं, देन वी हैव अ प्रोसेसर एंड मेमोरी। अब हम स्टार्ट, ये देखिए इसका ये डेजी चेनिंग की गई है टू मल्टीपल पोर्ट्स।
अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थंडरबोल्ट कंट्रोलर। देखिए आप थंडरबोल्ट कंट्रोलर की एक बार डायग्राम में, ये है थंडरबोल्ट कंट्रोलर, ठीक है, थंडरबोल्ट कंट्रोलर। अब हम स्टडी करते हैं थंडरबोल्ट कंट्रोलर बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। सो इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक दैट इज यूज्ड टू क्रिएट थंडरबोल्ट प्रोडक्ट्स। थंडरबोल्ट कंट्रोलर बेसिकली एक ब्लॉक है, ठीक है, हम इसे एक ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं जिससे हम थंडरबोल्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें क्रिएट करेंगे। इट कंटेन्स क्रॉस बार थंडरबोल्ट प्रोटोकॉल स्विच, वन और मोर थंडरबोल्ट पोर्ट्स, वन और मोर डिस्प्ले पोर्ट, अ पीसीआई एक्सप्रेस स्विच विथ वन और मोर पीसीआई एक्सप्रेस प्रोटोकॉल अडैप्टर पोर्ट। अब देखिए थंडरबोल्ट कंट्रोलर है तो इसमें हम बेसिकली एक स्विचेस यूज करेंगे, ठीक है, थंडरबोल्ट प्रोटोकॉल स्विचेस। इसमें स्विचेस यूज होंगे जहां पे हम कनेक्टर्स यूज करेंगे इन ऑर्डर टू ट्रांसफर डेटा। देन सेकेंड वन और मोर थंडरबोल्ट पोर्ट्स, अगर हमें डेजी चेनिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमारे पास थंडरबोल्ट पोर्ट्स होने चाहिए, उसी के थ्रू हम डेजी चेनिंग को यूज करेंगे। देन वन और मोर डिस्प्ले पोर्ट प्रोटोकॉल, डिस्प्ले पोर्ट प्रोटोकॉल मीन्स ये है कि जो पोर्ट में जहां हम इंसर्ट करेंगे हमारी केबल को, तो ये पोर्ट मल्टीपल पोर्ट्स हमें थंडरबोल्ट कंट्रोलर प्रोवाइड कराएगा। देन पीसीआई एक्सप्रेस स्विच, पीसीआई एक्सप्रेस हम इसमें जो पीसीआई है हम उसमें मल्टीपल सीरियल कनेक्टर्स यूज करते हैं जहां पे हम जो कार्ड्स हैं उन्हें हम प्लग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थंडरबोल्ट कंट्रोलर का जो बेसिक डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास थंडरबोल्ट कनेक्टर्स। देखिए थंडरबोल्ट कनेक्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं इन्हें कनेक्ट करेंगे थंडरबोल्ट कंट्रोलर से, ठीक है। एक्सेस टू एक्सटर्नल डिवाइसेस इज थ्रू वन और मोर थंडरबोल्ट कनेक्टर्स। जब हमने कंट्रोलर्स बनाए थे तो कंट्रोलर्स क्या करेंगे, उन्हें एक्सटर्नल डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए हमें थंडरबोल्ट कनेक्टर्स की नीड है। सो ये एक्सेस करते हैं टू एक्सटर्नल डिवाइसेस यूजिंग थंडरबोल्ट कंट्रोलर्स। देन ईच कनेक्टर कैन प्रोवाइड वन और टू फुल ड्यूप्लेक्स चैनल्स, ठीक है। ड्यूप्लेक्स चैनल्स मीन्स साइमल्टेनियसली डेटा सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं विद स्पीड 10 Gbps इन ईच डायरेक्शन। सो इट प्रोवाइड वन और टू फुल ड्यूप्लेक्स चैनल्स। देन नेक्स्ट द सेम कनेक्टर कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल केबल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ईथरनेट केबल्स में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। देन हाई परफॉर्मेंस पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू पीसीज ओवर अ केबल। डेजी चेनिंग के लिए अगर हमें हाई परफॉर्मेंस पेरिफेरल्स चाहिए तो हम उसे कनेक्ट करेंगे कैसे, जब जब हमारे पास थंडरबोल्ट कनेक्टर्स होंगे। अगर ये कनेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है तो हम इनसे इजीली डेजी चेनिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं। थंडरबोल्ट टेक्नोलॉजी डिलीवर्स टू फुल बैंडविड्थ चैनल्स। जैसे कि हमने बात की थी, इट प्रोवाइड्स चैनल्स दैट इज ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सो इट डिलीवर्स टू फुल बैंडविड्थ चैनल्स मीन्स अगर हम इन दोनों चैनल्स की बात करें तो उनमें कंप्लीट जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 10 Gbps, ठीक है, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम। और नाउ द यूजर कैन रियलाइज हाई बैंडविड्थ नॉट ओनली ऑन द फर्स्ट डिवाइस अटैच्ड बट ऑन डाउनस्ट्रीम डिवाइसेस एज वेल। अगर हम बात करते हैं डेजी चेनिंग में, तो जब हमारा डेटा ट्रांसफर होगा तो जो फर्स्ट डिवाइसेस है उसी में स्पीड 10 Gbps नहीं होगी, इनफैक्ट जितने भी डिवाइसेस इसमें कनेक्टेड हैं उन सब में स्पीड 10 Gbps ही रहेगी, ठीक है। नाउ ये इसका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हमने थंडरबोल्ट कंट्रोलर को यूज किया है। पीसीएच दैट इज प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब, ये प्रोसेसर। अब देखिए अगर इसे कुछ भी डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले पोर्ट हमने यहाँ यूज किया है। थंडरबोल्ट कंट्रोलर पे हमने डिस्प्ले पोर्ट्स अवेलेबल कराए हैं जहाँ पे हम इसको कनेक्ट करके डिस्प्ले करा सकते हैं एचडी वीडियोस को। देन इट हैज पीसीआई कनेक्टर्स जहाँ से हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं मेमोरी में, और ये हमारे पास कुछ ये कनेक्टर्स हैं जिन्हें हम कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल डिवाइसेस से, और हम मल्टीपल कनेक्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग डेजी
चेनिंग। तो ये था हमारा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन विद थंडर बोल्ट। ये बेसिकली थंडर बोल्ट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर हमें थंडर बोल्ट को एक्सटर्नल डिवाइस मतलब पीसी से कनेक्ट करना है तो ऐसे हमारे पीसी से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये है हमारा टीसी, दैट इज थंडर बोल्ट कंट्रोलर, थंडर बोल्ट कंट्रोलर, थंडर बोल्ट कनेक्टर। ये कंप्यूटर सिस्टम में थंडर बोल्ट कनेक्टर से अटैच होगा। इस वे में हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा सीपीयू को। नाउ थंडरबोल्ट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, थंडरबोल्ट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर बेसिकली इसमें कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे इन ऑर्डर टू ट्रांसफर डेटा। इसमें कुछ लेयर्स हैं, देखिए ये इसका डायग्राम है जिसमें फर्स्ट लेयर है कनेक्टर एंड केबल, देन इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल लेयर, कॉमन ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड फाइनली एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोटोकॉल स्टैक्स दैट इंक्लूड्स पीसीआईई एंड डिस्प्ले पोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टडी करेंगे वो है कनेक्टर एंड केबल लेयर। अब देखिए जब फर्स्ट लेयर की हम बात करते हैं दैट इज केबल एंड कनेक्टर लेयर, तो केबल एंड कनेक्टर लेयर ये बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि जो हमारा डेटा ट्रांसफर होगा वो किस मीडियम के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या प्रोवाइड कराता है, ट्रांसमिशन मीडियम एक्सेस, ट्रांसमिशन मीडियम एक्सेस। एंड सेकेंडली इट स्पेसिफाइज द फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द कनेक्टर पोर्ट, जहां से हम कनेक्ट करेंगे, हम जिस डिवाइस जिस पेरिफेरल डिवाइसेस को हमें कनेक्ट करना है हमारे पीसी से, तो वहां जो पोर्ट है उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, ये इन्हें भी स्पेसिफाई करेगा। इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग डिवाइसेस हैं उनके लिए अलग अलग पोर्ट्स हैं, तो कौन सा पोर्ट कौन सा डिवाइस को अटैच करेगा ये उसे स्पेसिफाई करेगा। सेकंड है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर देखिए, फिजिकल लेयर इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल लेयर। नाउ फिजिकल लेयर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंक मेंटेनेंस इंक्लूडिंग हॉट प्लग थ्री डिटेक्शन। अब देखिए अगर हम बात करते हैं हॉट प्लग थ्री डिटेक्शन की, ठीक है, हॉट प्लग इन का मीनिंग यही है कि जब देखिए हॉट प्लग इन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमने सिस्टम में एक कॉम्पोनेंट को रिमूव करा, ठीक है, हमने नया कॉम्पोनेंट कनेक्ट किया, तो इसमें जो पावर है वो डाउन नहीं होनी चाहिए कंप्यूटर की। ठीक है, सो ये मेंटेन करता है कि अगर कोई एक डिवाइस को हम उसको रिमूव करके जब हम सेकेंड डिवाइस उस अटैच करते हैं देन विदाउट हैविंग पावर डाउन द कंप्यूटर, राइट। सो दिस इज कॉल्ड हॉट प्लग डिटेक्शन, मीन्स उसे वो डिटेक्ट करता है जब हम जो रिमूवेबल डिवाइसेस हैं हम उन्हें कनेक्ट या फिर उन्हें रिमूव करते हैं हमारे पीसी से। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंक मेंटेनेंस इंक्लूडिंग हॉट प्लग इन डिटेक्शन, डेटा इनकोडिंग टू प्रोवाइड हाईली एफिशियंट डेटा ट्रांसफर, इट इनकोड्स द डेटा, डेटा इनकोडिंग इज प्रोवाइडेड बाय फिजिकल लेयर, एंड देन इट प्रोवाइड्स फुल ड्यूप्लेक्स ऑफ 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड ऑफ यूजेबल कैपेसिटी टू द अपर लेयर्स। अगर हम बात करते हैं इसकी अपर लेयर की, देखिए इसके फर्स्ट था हमारे पास कनेक्टर केबल, देन फिजिकल, देन कॉमन ट्रांसपोर्ट लेयर। मीन्स जब हम यहाँ से हमने डेटा को डीकोड किया, डीकोड करने के बाद हम यहाँ जब हमारे डेटा को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो स्पीड की हमें रिक्वायरमेंट है वो स्पीड क्या है, 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। सो फिजिकल लेयर हमें ये स्पीड प्रोवाइड कराएगा इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट डेटा एज वेल एज इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम अपर लेयर्स। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर हैज द एबिलिटी टू फ्लेक्सिबली एलोकेट लिंक बैंडविड्थ यूजिंग प्रायोरिटी एंड बैंडविड्थ रिजर्वेशन मैकेनिज्म्स। अब ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी ये है कि ये प्रायोरिटी के बेसिस पे लिंक जो बैंडविड्थ है वो एलोकेट करेगी टू वेरियस डेटा ट्रांसफर्स। यूज ऑफ स्मॉल पैकेट साइजेस टू अचीव लो लेटेंसी। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब हमारे पास पैकेट्स को एनकोड किया गया था फिजिकल लेयर में, वहां वहां से जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने सेंड किया उस डेटा को, अब वो डेटा क्या करेगा, स्मॉल पैकेट्स में डेटा को रिसीव करेगा। ठीक है, लार्ज डेटा पैकेट रिसीव नहीं होंगे क्योंकि लार्ज डेटा पैकेट होगा तो जो लेटेंसी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू अचीव लो लेटेंसी स्मॉल पैकेट्स आर यूज्ड, स्मॉल पैकेट्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव लो लेटेंसी, इट एलोकेट बैंडविड्थ यूजिंग प्रायोरिटी,
यूज ऑफ क्रेडिट बेस्ड फ्लो कंट्रोल टू अचीव स्मॉल बफर साइजेस। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्रेडिट बेस्ड फ्लो कंट्रोल, तो ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम शॉर्ट में ये समझ सकते हैं, हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल का ये एक एक्सटेंशन है क्रेडिट बेस्ड फ्लो कंट्रोल। इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन सर्किट में आफ्टर सेंडिंग अ मैसेज, ठीक है, जो ट्रांसमिशन सर्किट है, जब उसने मैसेज सेंड किया, देन इट विल वेट फॉर अ रिटर्न सिग्नल। ओनली आफ्टर रिसीविंग रिटर्न सिग्नल इट विल ट्रांसमिट द डेटा। सो इट इज सिमिलर टू हैंडशेक। जब ट्रांसमिशन सर्किट में डेटा ट्रांसफर हुआ, तो जो रिसीवर है वो वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का। जब उसने एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया, फिर उसने सारा डेटा एक्सेप्ट किया। सारा डेटा एक्सेप्ट करने के बाद वो फिर से एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा टू द ट्रांसमिटर दैट डेटा हैज बीन रिसीव्ड। सो दिस इज बेस्ड ऑन क्रेडिट बेस्ड फ्लो कंट्रोल टू अचीव स्मॉलर बफर साइजेस। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक आर्किटेक्चर दैट सपोर्ट्स फ्लेक्सिबल टोपोलॉजीज। हम इसमें स्टार टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं, ट्री टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं, डेजी चेनिंग, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी कि हम एक डिवाइस को यूज करके हम मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट करता है फ्लेक्सिबल टोपोलॉजीज को। देन इट इनेबल्स पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। जब जब हम जो डिवाइसेस हैं उन्हें कनेक्ट करेंगे इन टोपोलॉजी से, तो जो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल होगा। नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल। सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल, जबकि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था, जो स्पीड होती है ऑफ द एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड द सीपीयू, वो बहुत डिफरेंस है। सो इन दोनों स्पीड को कॉम्पनसेट करने के लिए हम जो थंडरबोल्ट है वो ये जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, ये प्रोवाइड कराता है इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द स्पीड डिफरेंस बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड द सीपीयू। सो इट प्रोवाइड्स सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड द सीपीयू। इनका जो टाइम है वो 8 नैनो सेकेंड्स है। नाउ नेक्स्ट, द लास्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, देखिए, फर्स्ट था हमारा कनेक्टर एंड केबल लेयर, जो कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा कि ऑप्टिकल केबल है, जो पोर्ट है, वहाँ हम कौन सा डिवाइस उसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर था हमारा फिजिकल फिजिकल लेयर, क्या क्या करेगा, जो लिंक है उसे मेंटेन करेगा, डेटा को एनकोड करेगा। जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो वो हमें 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड प्रोवाइड कराएगा, जिससे हम हमारे डेटा को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, बैंडविड्थ प्रोवाइड कराएगा यूजिंग प्रायोरिटी मैकेनिज्म्स। ठीक है, जो वो पैकेट्स को रिसीव करेगा, वो स्मॉल डेटा पैकेट्स को रिसीव करेगा इन ऑर्डर टू अवॉइड लेटेंसी। देन ये बेस्ड होगा क्रेडिट बेस्ड फ्लो कंट्रोल पे, ये सपोर्ट करता है फ्लेक्सिबल टोपोलॉजीज, जो क्या करती है, इनेबल करती है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। एंड फाइनली इट प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द डिफरेंसेस, स्पीड डिफरेंसेस बिटवीन पेरिफेरल्स एंड द कंप्यूटर सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर, देखिए, जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की, तो इसमें हम आईओ प्रोटोकॉल्स, ठीक है, हमारे पास दो इम्प्रॉपर प्रोटोकॉल्स थे, दैट इज पीसीआईई एंड डिस्प्ले पोर्ट। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स में हमने जो ये दो प्रोटोकॉल्स पढ़े थे वो थे पीसीआईई एंड डिस्प्ले प्रोटोकॉल्स, डिस्प्ले पोर्ट प्रोटोकॉल्स। अब देखिए, इसमें क्या होगा, जब हमने डेटा को ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा ट्रांसपोर्ट होगा एप्लीकेशन लेयर में, जहां पे हम उस डेटा को डिस्प्ले करेंगे। नाउ इट कंटेन्स आईओ प्रोटोकॉल्स। एप्लीकेशन लेयर में क्या होगा, आईओ प्रोटोकॉल्स होंगे जिनकी हम मैपिंग करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर से, जिनकी हम मैपिंग करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर से। अब देखिए, मैपिंग फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय अ प्रोटोकॉल अडैप्टर व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट इनकैप्सुलेशन ऑफ द मैप्ड प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन इनटू ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स। देखिए, मैपिंग जो प्रोटोकॉल है वो क्या करेगा, जो हमारा जो डिवाइस है जहां से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और जो डेस्टिनेशन डिवाइस है जहां पे हमें डेटा को सेंड करना है, उनके बीच में एक प्रोटोकॉल एक पाथ प्रोवाइड कराएगा जो इस फंक्शन को फॉलो करेगा। जैसे कि मैपिंग फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय प्रोटोकॉल अडैप्टर,
ये किसके लिए, मैपिंग फंक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इनकैप्सुलेट करेगा मैप्ड प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन को इनटू ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट्स, जो ट्रांसपोर्ट लेयर के जो पैकेट्स थे ट्रांसपोर्ट लेयर से, देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर से जो हमने पैकेट्स को फॉरवर्ड किए थे आगे, ये क्या करेगा, इनके कुछ मैपिंग फंक्शंस हैं, इन मैपिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग वो इन्हें इनकैप्सुलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो डेटा है वो कुछ ट्रांसपोर्ट डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो वो यूज करेगा पीसीआई, और अगर हमें कुछ डिस्प्ले कराना है तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा, डिस्प्ले पोर्ट प्रोटोकॉल। तो इनके पास जो ये प्रोटोकॉल्स हैं पीसीआई और डिस्प्ले पोर्ट, तो ये इनको इनकी मैपिंग करेगा अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। सो कॉमन ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा हमें ट्रांसफर हो रहा है वो उस डेटा की मैपिंग करेगा इनपुट आउटपुट एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स के थ्रू, ठीक है। सो एप्लीकेशन लेयर मैपिंग फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय अ प्रोटोकॉल अडैप्टर व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट इनकैप्सुलेशन ऑफ द मैप्ड प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन इनटू ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट्स। मैप्ड प्रोटोकॉल पैकेट्स बिटवीन अ सोर्स डिवाइस एंड अ डेस्टिनेशन डिवाइस मे बी राउटेड ओवर अ पाथ दैट मे क्रॉस मल्टीपल थंडरबोल्ट कंट्रोलर्स, ठीक है। ये जो पैकेट्स हैं हमारे पास, मैप प्रोटोकॉल पैकेट्स हैं, ये ट्रांसफर हो सकते हैं एक ऐसे पाथ में जहां पे मल्टीपल थंडरबोल्ट कंट्रोलर्स अवेलेबल हो। तो इसका जो शॉर्ट में अगर हम समझ सकते हैं एप्लीकेशन लेयर का, तो यही है, ये हमें मैपिंग प्रोवाइड कराता है। जो आईओ प्रोटोकॉल्स हमें प्रोवाइडेड है दैट इज पीसीआईई एंड डिस्प्ले पोर्ट प्रोटोकॉल्स, हम इन प्रोटोकॉल्स को यूज करके मैपिंग करेंगे उस डेटा की जो हमने रिसीव किया है ट्रांसपोर्ट लेयर से, ठीक है। जब हमने इस डेटा को मैपिंग कर दी उन प्रोटोकॉल्स के साथ, फिर हम इस डेटा को, मैप डेटा को ट्रांसफर करेंगे ओवर अ पाथ दैट मे हैव मल्टीपल थंडरबोल्ट कंट्रोलर्स, क्लियर। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, थंडरबोल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय थंडरबोल्ट, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन थंडरबोल्ट कॉन्फ़िगरेशन, थंडरबोल्ट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। होप सो आज का वीडियो आपको क्लियर होगा। तो अगर आपकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।